मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, इन क्लास 7 वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइजेस 1A एंड 1B। पहली एक्सरसाइज में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर्स का देखा था। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपने प्रोडक्ट देखा। अब देखना है हमें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखिए, साइन प्रॉपर्टीज तो सेम होती है जो मल्टीप्लिकेशन में होती है। मींस अगर दो नंबर को डिवाइड करना है, दोनों का सेम साइन है, तो आंसर पॉजिटिव होगा। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो माइनस होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना है। और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डिवीजन बाय इटसेल्फ। डिवीजन बाय इटसेल्फ किसी इंटीजर का अपने आप से डिवाइड करें तो आंसर वन होता है हमेशा। जैसे 53 54 डिवाइडेड बाय 54 इक्वल वन, माइनस 54 डिवाइडेड बाय माइनस 54 इक्वल वन। अब किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करना है, 54 डिवाइडेड बाय 1 54। किसी जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0। किसी इंटीजर में अगर हम -1 से डिवाइड करें, अगर 1 से डिवाइड करें तब तो वही नंबर होगा, और अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से उसका साइन चेंज होता है। इस प्रकार से कुछ ये प्रॉपर्टी मान लीजिए इस टाइप से, और ये हमारी साइन प्रॉपर्टी है। इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे डिवीजन कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 60 डिवाइडेड बाय -9। अब देखिए, प्लस ये माइनस, जब एक साइन प्लस का एक माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 में 10 का करेंगे डिवाइड, तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। 10 का 60 में 6 हो जाएगा। देखें थर्ड सेम है, फोर्थ, फोर्थ में है -72 डिवाइडेड बाय -18। दोनों का सेम साइन है, सेम साइन तो आंसर पॉजिटिव होगा, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन खत्म हो जाएगा। 84 से 72 आंसर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक तो ये साइन प्रॉपर्टी देखो, प्लस में डिवाइड और माइनस करेंगे तो आंसर माइनस का आएगा, आंसर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब 40 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा, 8 5 40 होगा, देयरफॉर 40 शुड बी डिवाइडेड बाय -8 विल बी -5। देयरफॉर यहां पे क्या फिल हो जाएगा, यहां फिल हो जाएगा -8। इस टाइप से सोच के और फिल करना है। इसको हम फिगर मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं एक्स मानकर। इसी का सेकंड मेथड है,
40 डिवाइडेड बाय इन द मैसेज आप डायरेक्टली आप एच मान लीजिए माइनस 5। अब डिवाइड कर सकते हैं ऐसे 40 अपॉन एक्स माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1 करके करेंगे तो 40 इक्वल हो जाएगा माइनस 5 इनटू एक्स। एक्स इक्वल के लिए माइनस 5 का डिवाइड यहां हो जाएगा तो एक्स इक्वल हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय माइनस 5 आंसर हो जाएगा माइनस 8। तो ब्लैंक की जगह पर फिल हो जाएगा माइनस 8 ये आंसर है। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। Now, question number 3, evaluation. Evaluation देखें। Question number 3. First, 45 divided by 2 divided by minus 1 इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं व्हाट कॉस्ट के अकॉर्डिंग 45 डिवाइडेड बाय। आप देखिए दोनों नंबर हमारे नेगेटिव है, जब दोनों नंबर सेम साइन के होते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव होता है तो आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। जब 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 2, आंसर 2 हो जाएगा। अब 45 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डिवाइड हम 45 में करेंगे तो उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं या ऐसे 45/2 बन जाएगा 22/1/2 या 22.5। ये दोनों टाइप से आंसर लिखा जा सकता है। लेकिन एक मिस्टेक हो गई है, यहां डिवाइड की जगह साइन लगाया प्लस है, यहां डिवाइड की जगह पर प्लस का साइन लगाया है तो ये हमारे सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर प्लस का साइन लगा दिया तो 45 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 3 का ऐड करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। जब ए प्लस का माइनस का हो तो आंसर नेगेटिव होगा और 45 में डिवाइड होगा 3 का, तो 45 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 तो आंसर हो जाएगा माइनस 15। इसी का सेकंड पार्ट देखिए 56 डिवाइडेड बाय माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले राइट सॉल्व करेंगे प्लस 56 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का डिवाइड 56 हो जाएगा 7। 2 का डिवाइड 56 करेंगे माइनस 28 डिवाइडेड बाय 7 7 4 से 28 माइनस 4 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर आगे सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। और देख सकते हैं हम इसी का देख लें फिफ्थ पार्ट। एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो माइनस 4 हो गया
-4 -2 -4 +2 -2 हो जाएगा। सेम साइन में डिवाइड होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, 2 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ये क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा बॉडी मास का। अगर बॉडी मास याद नहीं है तो फिर से आपको एक राइट राय देते हैं। बॉडी मास क्या होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 21 - 12 / 3 / 2 सो बॉडी मास के अकॉर्डिंग मेन ऑफ द डिवाइस डिवाइड, पहले डिवाइड हो जाएगा। 12 / 3 = 4 अब मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8 21 - 8 करेंगे तब होगा आपका 13 आंसर हो जाएगा। नाउ सी इट्स फोर्थ पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। -1 + -8 / -4 - 2 × -2 अब सबसे पहले बॉडी मास के अकॉर्डिंग डिवाइड, -1 - -4 / -2 - 4 - 8 / -2 = 4 × 2 = 8 सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 - 2 × -2। अब आता है मल्टीप्लाई, 2 × 2 - - 2 + हो जाएगा तो 2 = 4। अब माइनस का 1 हो गया, 2 + 4 = 6 हो जाएगा। अब एक नंबर माइनस एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो साइन पॉजिटिव, साइन अदर बड़े वाले का जिससे सब्ट्रैक्ट होगा, 6 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 5, तो 6 पॉजिटिव है तो 5 भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस का 5 आंसर हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट 5 पेयर्स इंटीजर्स ए टू बी ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल माइनस 3। ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल माइनस 3, ए बी के 5 पेयर्स हैं। फर्स्ट 12 / -3 - 4 = -3 हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? 12 - -4 एक आंसर ही हो गया। उसके बाद -12 / 4 - 3 तो आंसर में -12 और 4 भी लिख सकते हैं। 21 / -7 - 3 तो आंसर 21 - 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 पेयर लिखना थे, 5 पेयर्स लिखना है, तो हमने 3 पेयर आपने लिखती हैं, बाकी 2 पेयर आप ट्राई करेंगे। सिक्स वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी एंड ए डिवाइडेड बाय सी। क्वेश्चन नंबर 6। a divided by b plus c not equal to a divided by b
डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी मींस डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइड नहीं होता है, ये वेरीफाई करना है। तो ए की वैल्यू दी गई है, फर्स्ट ए इक्वल दिया है 20, बी इक्वल दिया है -2 एंड सी इक्वल दिया है 4। एलएच देने पहले तो ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ए 20 डिवाइडेड बाय बी -2 प्लस 4 हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 10। ये एलएचएस की वैल्यू 10 होगी। अब देखें एलएचएस, एलएचएस क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। सो ए 20 डिवाइडेड बाय बी -2 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 प्लस 5 -10 प्लस 5 हो जाएगा -5। तो एलएचएस की वैल्यू 10 हुई, एलएचएस की वैल्यू -5 दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी वेरीफाइड। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी नाइस डे।